आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अपने जेड प्लांट का कलेक्शन दिखाने वाला हूं। मेरे पास कुछ बोनसाई हैं जो अंडर ट्रेनिंग हैं और बहुत से जेड के प्लांट हैं जो मैं दिखाऊंगा। हालांकि वो ओवरव्यू में मैंने इसलिए नहीं दिखाए थे कि वो बहुत लंबा होता जा रहा था, तो क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने जेड के प्लांट की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे जेड के प्लांट है जो एक पॉट में हंडिया टाइप में लगे हुए हैं। और देख सकते हैं कि क्योंकि पिछले साल लगाए थे तो काफ़ी बड़े प्लांट हो गए हैं। मैं इनकी कटिंग भी करता रहता हूं, तो हम जेड के प्लांट की जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करते हैं वो इतने ज़्यादा बुशी बनते जाते हैं, इतने ज़्यादा गुथे हुए प्लांट होते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है हमारा जो एक बड़ा सा प्लांट बना हुआ है, बड़े से प्लांट दिखाई देते हैं। और इसी के साथ अब कुछ बोनसाई मैं आपको दिखाऊँगा अपनी। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ बोनसाई रखी हैं जो अंडर ट्रेनिंग हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये वाली आपको दिखाना चाहता हूँ बोनसाई। ये आप देखें, ये काफ़ी अच्छी हमारी ग्रोथ कर रही है और इस पर मैंने वायरिंग भी की हुई है। इसके एक दो वीडियो भी शायद मैंने शेयर की होगी, प्रूनिंग वगैरह की। तो अभी इस पर वर्क बाकी है और ये लगभग 3 साल पुरानी हमारी बोनसाई हो चुकी है। और दोस्तों, इसके बाद ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये काफ़ी इसका तना आप देखें कितना ज़्यादा मोटा तना है। और ये 2 साल के आसपास पुराना प्लांट है, 2 साल से ज़्यादा का होगा। और जब मैंने इसको इस पॉट में लगाया था, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और देख सकते हैं कि किस तरह से झुका हुआ खूबसूरत हमारा एक बोनसाई का लुक दे रहा है। हालांकि अब तक मैंने इस पर ज़्यादा प्रूनिंग या वायरिंग का वर्क नहीं किया है, सिर्फ अभी एक एज ए प्लांट ही ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर भी आप देखें कि कितना खूबसूरत हमारा प्लांट ये ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों, इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इससे अगली बोनसाई में निकालता हूँ। दोस्तों, ये मेरे पास सबसे पुराना जो जेड का प्लांट है जो एज ए बोनसाई ग्रो हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। और इसकी जो अब तो काफ़ी इस पर जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इस पर प्रूनिंग का बहुत सारा काम अभी हमें करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एज ए बोनसाई ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं इस साइड से आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप देखें कि कितना खूबसूरत ये बोनसाई की तरह हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी सी ब्रांच यहाँ से टूट गई थी, तो उससे इसको काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी ये काफ़ी देखने में अच्छा दिखाई देता है हमारा प्लांट। तो और दोस्तों, अब कुछ वीडियोस आपके पास आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी, तो इस प्लांट की भी प्रूनिंग की वीडियो आपके पास आने वाली है। और इसके अलावा भी कई सारी जो बोनसाई हमारी अंडर ट्रेनिंग है जिन पर अभी वर्क बाकी है, तो उनकी वीडियो आपके सामने आएंगी। तो उसमें पूरी बोनसाई बनाने की जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और बोनसाई बनाने पर वायरिंग कैसे करते हैं हम या प्रूनिंग कैसे करते हैं वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक हमारी अंडर ट्रेनिंग बोनसाई है और ये भी काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसमें ब्रांचेज हमारी निकली हुई है। हालाँकि इसकी ग्रोथ काफ़ी दिनों से अभी रुकी हुई थी, तो अभी दोबारा से हल्की हल्की नई ग्रोथ शुरू हुई है। तो इसको ये दो देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक हमारी बोनसाई है और ये भी थोड़ी अभी ग्रो कर रही है, तो इसकी भी अच्छी केयर हमारी चल रही है। यहाँ पर ही दोस्तों, हम आगे बढ़ें तो ये एक हमने लगाई हुई है बोनसाई की तरह से। इसको इस साइड से आप देखें तो ज़्यादा आपको दिखाई देगी ये सही तरह। और दोस्तों, ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये भी 2-1 साल पुरानी होगी, ज़्यादा 2 साल पुरानी होगी, लेकिन काफ़ी अच्छी हमारी ग्रो कर रही है। और इस पर अभी वर्क बहुत ज़्यादा हमको करना है, इसकी प्रूनिंग करनी है, इस पर वायरिंग करनी है। ये बहुत बेतरतीबी के साथ अभी फैली हुई है। और यहाँ पर दोस्तों, ये वाली बोनसाई आप देखें तो ये 3 साल से ज़्यादा पुरानी हमारी बोनसाई हो चुकी है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। हालांकि इस पर भी वर्क किए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो अब इस पर भी वर्क हमें करना है। और दोस्तों, इससे अगली बोनसाई की तरफ हम बढ़ें तो ये आप देख सकते हैं, इसकी आप जड़ की शेप देखिए, ज़्यादा जो इसमें देखने वाली चीज़ है, ये नीचे का एरिया आप जो इसकी रूट्स का एरिया है, ये देखें आप कितनी खूबसूरती के साथ डेवलप हो रहा है। और यहीं से इसमें फिर 3 ब्रांचेस बनकर चल रही हैं। इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा वर्क है, तो इसकी भी वीडियो आपके सामने आएगी प्रूनिंग की और इस पर फिर वायरिंग की। तो ऊपर की साइड पर बहुत ज़्यादा हमें अभी वर्क करना है, तो वो वीडियो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस साइड की तो हमने कुछ बोनसाई आपको दिखाई, अब हम दूसरी साइड के कुछ प्लांट और बोनसाई आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये वाली बोनसाई आप देख सकते हैं, इसका हालांकि जो पॉट है ये भी यहाँ से टूट गया था, तो ये एक लटकी हुई शेप में बनाई हुई बोनसाई है और ये भी काफ़ी पुरानी, 3-4 साल पुरानी हमारी बोनसाई हो चुकी है।
और इस पर भी मैं वर्क लगातार कर ही रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी हमारी ये बोनसाई डेवलप हो रही है। और इसके बाद दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा वर्क है भी हमारा, ये भी लटकी हुई शेप में बनी एक बोनसाई, तो अभी तो ये डेवलप होने में काफ़ी टाइम लेगी, बहुत लंबा वक्त हमको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसको एक हमने शेप देनी शुरू की है, तो आने वाले वक्त में बहुत अच्छी बोनसाई हमारी बनेगी। और दोस्तों यहाँ भी इस तरह से कुछ हमने प्लांट जेड के लगाए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्लांट अभी बाकी हैं। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है, तो वो जो प्लांट हमारे बचे हैं, जो बोनसाई बची हैं, तो मैं उनको अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।